बसमील रिमरिम आहमदिल्लाबी वहअ قيام يوم الدين इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक गफ्तु फरमाई और बहुत ही गैर गैरमनत गुफ्तगु और ना शायस्ता गुफगु दावा तो उनका यह है कि ना हम वहाबी हैं न बाबी हैं और इलमी किताबी हैं लेकिन जो उन्होंने गुफ्तु फरमाई उसमें दोनों चीज़ें नज़र आईं वहाबियत का भी जलवा नज़र आया और बाबों के दिफा का भी जलवा नज़र आया लिहाजा तदरीजन जो उन्होंने मौजूद डिस्कस किए उसी के हिसाब से हम भी मौजूद को डिस्कस करेंगे सबसे पहले उन्होंने कुछ क्लिप लगाए माविया के जिक्र के बारे में और जो उनकी रविश है कि जिसमें वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि हम उमैया और माविया से दूरी का इज़हार कर रहे हैं और उसके बदले जाहिर कुछ गिव एंड टेक हो तो हम लोग कुछ और लोगों का ज़िक्र छोड़ दें तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि अगर कोई शख़्स शैतान से बारात का इज़हार करता है तो हम हम पर एहसान नहीं करता वो अपने ऊपर एहसान करता है अपने मज़हब पर एहसान करता है अपने मकतब पर एहसान करता है अगर कोई बनो उमैया और माविया से इजहार बरात कर रहा है तो हम पर कोई एहसान नहीं और अगर उसके बदले कोई हमसे कीमत चाहे कि हम किसी और से इजहार बारात छोड़ दें तो कभी भी इलमी मामल में गिव एंड टेक नहीं होता बारगेनिंग नहीं होती दलाइल की गुफ्तु होती है अपनी गुफ्तु में उन्होंने फीवों को गाली भी कहा राफ़ी भी कहा और उन पर वीडियो बनाने वालों के लिए उन्होंने उनको चूहा भी कहा दावा तो उनका यह है कि मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ सॉफ़्ट इस्पोक हूँ लेकिन ज़ाहिर है कि इंसान जिन लोगों को मानता है वो वो लोग हैं कि रसूल अल्लाह सल वसलम को हिजियान की नस्बत दी बकवास की नस्बत दी हजर की नस्बत दी और गाहे ब गाहे व रसूल अलैहि वसल्लम की मुखालफत भी करते थे उन्हीं के सामने हत्ता ख़वातीन को भी मार देते थे तो जाहिर है जब उन लोगों का दिफा किया जाएगा तो उनका मिजाज ला इंसान अडॉप्ट करेगा तो इस बात पे तो ना हमें कोई ताज्जुब है और ना शिकवा है लेकिन सवाल ये करते हैं हम आपसे कि ये जो आपने किसी एक को मुमकिन है आप आखिर में कह देंगे मैंने किसी एक फ़र्द को कहा तो हम यहीं से शुरू करते हैं किसी एक फ़र्द को अगर आपने गाली कहा या किसी एक गुरो को गाली कहा तो हम आपसे सवाल करेंगे कि गाली क्या मुसलमान होते हैं क्या उनकी कोई सज़ा है या नहीं है तो जाहिर सी बात है जब किसी को गाली कह रहे हैं तो उसको दीन से ख़ारिज भी कर रहे हैं यानी आप भी तकफीरी हैं और फिर उनकी सज़ा सज़ा भी तजवीज़ कर रहे हैं आप क्योंकि जब आपसे अलग सवाल किया जाएगा गाली की सज़ा क्या है तो आप फिर कत्ल ही का हुक्म देंगे रह गया मामला राफज़ी का तो राफज़ी के क्या माना है कि जिन लोगों ने बाज़ अफराद को छोड़ा तो जिन लोगों ने कौले रसूल अल्लाह को बकवास कहा और हजर कहा वो राफज़ी नहीं हैं रसूल अल्लाह को छोड़ने वाले जिन्होंने अली से जंग की बोलोग्राफ़ज़ज़ज़ज़ज़ी नहीं हैं अगर वो जंग करके और गालियाँ देके और लानतें भेजकर और कत्ले आम करके असहाब के सरों के बाल नोच के चेहरों के बाल नोच के दाढ़ी और पलकों और भवों के बाल नोच के मुसलमान हैं बैतुलमाल पे कब्ज़ा करके और बैतुलमाल के चालीस मासूम अफराद को कत्ल करके अगर कुछ लोग मुसलमान बाकी रहते हैं और छत्तीस हज़ार या सत्तर हज़ार से एक लाख दस हज़ार तक लोग जो जंगों में क़त्ल करवा कर भी मुसलमान बाकी रहते हैं और राफजी नहीं होते तो फिर अगर मौला अली के जो असहाब में सबसे अफज़ल हैं अहल बैत में सबसे अफजल हैं और आपके अदबार से चौथे खलीफा हैं जब उन पर लानतें भेज के और जंग करके लोग काफिर भी नहीं होते राफजी भी नहीं होते तो उनसे पहले वालों से जो जंग भी ना करें फ़कत उनकी मुखालफत करें या उनके काम को गलत कहें तो वो कैसे काफिर हो जाएंगे वो कैसे राफजी हो जाएंगे लिहाजा कानून एक होगा चौथे से जंग करके अगर इंसान मुसलमान रहेगा और राफजी नहीं होगा और तीसरे के कत्ल का हुक्म दे के अक्तुलनासल फ़कत कफरा कह के भी अगर कोई खातून तीसरे खलीफा के कत्ल का हुक्म देकर भी वह ना राफजी हों ना दीन से निकलें तो फिर बाकी दो के लिए ये नया हुक्म कहाँ से आया अब आप पर एतराज़ करने वाले चूहे हों या शेर हों ये तो अल्लाह बेहतर जाने आपको क्या नज़र आता है ये डिपेंड करता है आपकी सोच और आपकी बीनाई पर आपने क्लिप लगाया लाहौर के हमारे एक आलिम का जो देवबंदी नज़रियात को फैला रहे हैं जिस मकतब से आए थे वहां वापस चले गए उनकी बातें तो इंतहाई गैर मनतकी हैं उनमें अगर अखलोशर नहीं है तो आप तो अखलोशर इस्तेमाल करें वो अगर ये कह रहे हैं कि मौला अमीर उमामीन ने पहले तीन खलफा से जंग नहीं की तो फिर उनके बारे में डिस्कशन नहीं किया जा सकता या इन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता तो फिर उनसे सवाल किया जाए कि मौला अमीर उमिन ने जनाब आयशा से और माविया से जंग की थी तो इसका मतलब है कि उनको कहा जा सकता है वो ये फरमा रहे हैं कि अली जानते थे कि अपनों से जंग नहीं हो सकती तो फिर ये दोनों इसका मतलब अपने नहीं थे यानी जो कुछ वो उनके लिए तलब कर रहे हैं इसका मतलब है इनके लिए तलब नहीं कर रहे लेकिन हकीकत यह है कि मौला आमिरमिन ने और सबसे बड़े के रसूल अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी से जंगें नहीं की उन पे जंगें मुसलत की गई मौला आमिरलमिन ने पहले तीन खलफा के दौर में भी उनको मशवरे भी दिए दीन को बचाने के लिए और बाद वालों के साथ भी वो यही करते उन लोगों ने जंग की जंग हजरत आयशा ने की जंग मुआविया ने की जंग खारज ने की अब ये कहना कि वो दुखी थे तो अंबिया और आयमा कभी भी किसी इंसान के कत्ल पे खुश नहीं हुए उनका काम ही हिदायत था वो ये चाहते थे कि तमाम इंसान हिदायत पाए लिहाजा अंबिया जब अजाब नाजिल होता था कौमों पर उस पर भी खुश नहीं होते थे महजून होते थे क्योंकि वो चाहते थे कि ये हिदायत पा जाएं लिहाजा मौला आमिरम्न ने भी हमेशा हिदायत का काम किया रह गया मामला यह कि जंग क्यों नहीं की तो यह रसूल अलैहि वसल्लम का उन्हें हुक्म था और अगर वह जंग करते तो एक मिसाल आपके लिए काफ़ी है कि जनाब आयशा ने जंग की जो आलम इस्लाम की पहली जंग थी जिसमें दस हज़ार से ज़्यादा दस हज़ार से लेकर छत्तीस हज़ार तक लोग कत्ल हुए फिर माविया ने जंग की मौला आमिर मोमिन से जिसमें सत्तर हज़ार से लेकर एक लाख दस हज़ार तक का फिक्र है लोग कत्ल हुए जंग इन लोगों ने की ये लोग बागी थे ये लोग राफजी थे लेकिन एक सदी के करीब मौला आमिरम्न को बुरा कहा गया उन पर लानतें भेजी गईं तस्वुर करें कि अगर मौला आमिरम्न इन से खुद जंगें करते तो क्या होता और अगर पहले वालों से जंगें करते तो क्या होता आज वो जो नज़रियात और वो जो इस्लाम का दिफा मौला आमिरम्न ने फरमाया वो जो सही तोहद दी वो सब कुछ इन दीगर मजाहब इस्लामी में न होती आज मौला आमिरुम्न को आप चौथा खलीफा भी ना मानते आज हमारे दरमियान आपके दरमियान ये बहस होती कि वो मुसलमान थे भी कि नहीं थे बबानबिन अभी याश की इनके बारे में तफसील से डिस्कशन होगा क्या जनाब सैदा की मजलूमियत की एक ही रिवायत है जो उनसे नकल हुई है ये बिल्कुल एक मुगालता है और अगर मान भी लिया जाए कि उनकी पसलियाँ नहीं टूटी तो जिस शख्स ने उनको धमकियाँ दीं या उनको डराया या उनके घर का मुहासरा किया यही उस शख़्स के बातिल होने के लिए काफ़ी है अब ये जो आपने फ़रमाया कि फ़ातमिया एम आई सिक्स की साजिश है और ये बिदत है तो पहले तो आपसे सवाल करें कि ये जो आपने लफ्ज़ बिदत इस्तेमाल किया ये वही आपने वहावियों वाली ज़बान इस्तेमाल की है कि जो भी चीज नई नजर आए तो वह बिदत है या बिदत उस माना में है कि अल्लाह और रसूल की जानेब अगर किसी चीज की नस्बत दे के उसको दीन बनाया जाए इतखाल शैफ उद्दीन मा लई दीन तो आपने तो इस वक्त बिल्कुल वहावियों वाला लबोलहजा इस्तेमाल किया और एक नई चीज को बिदत कह दिया बाज वाकत होते हैं और मुमकिन है उनके अयाम ना मनाए जाते हों लेकिन अयाम फातमिया मनाया जाता था हाँ, एक दिन ऐसा है कि जो मनाना पड़ेगा सिर्फ बताने के लिए कि वाकया हुआ है दिन नहीं मनाया गया और वो दिन है योमुल हमीस वो दिन के जिस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजियान और बकवास की नस्बत देकर फिरका बनाया गया और वही का इनकार किया गया वह दिन कि जिस दिन को याद करके जलील कदर सहाबी उम्मत हज़रत इबन अब्बास गिरिया फरमाते थे और उनका कौल तो भजत है साहबी हैं और वो गिरिया फरमाते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन दुनिया से रुखत हुए और उससे पहले जो जमेरात थी उस दिन ये वाक़ हुआ और इस दिन को याद करके हज़रत इबन अब्बास गिरिया फरमाते थे और कहते थे और रज़िया कुल रजिया मुसीबत और पूरी की पूरी मुसीबत जो दीन पर आई वो उस दिन आई कि जिस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अकदस में ये जसारत हुई अब ये दिन मनाया जाता है नहीं मनाया जाता हजरत इबन अब्बास तो मनाते थे वो उस दिन को याद करके रोते थे हर साल हाँ अब क्योंकि आपने इस काम को बिदत कह दिया तो इन सुन्नत के हिसाब से बारह रबाल रसूल अल्ला वसल्लम की यौम शहादत ये यौम वफ़ात है तो उससे पहले जो जमेरात आएगा इनशा उसको हम यौमर रजिया के अनवान से मनाएंगे क्योंकि ये सुन्नति हज़रत इबन अब्बास की और शी के हिसाब से अट्ठाईस सफ़र है तो अट्ठाईस सफ़र से पहले जो जुमरत होगी क्योंकि चार दिन पहले तो हमेशा जमेरात नहीं होती लादा जो भी पहले जुम्रात हो चाहे दो दिन पहले तीन दिन पहले इन श्ला उसमें योम और मिया मनाएंगे तो क्या ये बिदत मानी जाएगी ना पैया में फातमिया भी बिदत नहीं हैं ये हजार साल से ज्यादा इसकी पुरानी तारीख है तमाम उलमा इमामिया ने जनाब सैदा सलाम की शहादत का जिक्र किया अब आपको अगर कोई जाहिल कस्म के लोग मिल गए हों सबका देवबंदी आपका दिल बहलाने के लिए तो यह आपकी नादानी है और आपने अपने आप को भी मुश्किल में डाला और उनको भी मुश्किल में डाला आपके सामने इस वक्त किताब है तस्बी तो दला नबा अब्दुल जब्बार बिन अहमद हमदानी अलमतवा चार सौ पंद्रह जल्द नंबर है दो और सफ़ा नंबर है फाइव नाइन्टी फोर और यहाँ पर सबसे नीचे लाइन में हाशिया नंबर दो है चंद इमामिया का जिक्र करने के बाद हाशिया नंबर दो पर वो कहते हैं कि यहां पर जिक्र हो रहा है मौलिफ के ज़माने में जो बड़े उल्मा और शिया रहबरान थे उनका जिक्र हो रहा है अब फाइव नाइन फाइव पर जो हरे से हमने हाईलाइट किया है ये जिक्र हो रहा है अभी अब्दुल्ला मोहम्मद बिन नोमान यानी जनाब हजरत शेख मुफीद का इन तमाम उलमा का जिक्र करने के बाद ये काजी अल्कजात फरमाते हैं हाउला ए बे मसर यानी शिया का जिक्र कर रहे हैं कि ये तमाम उस वक्त के मशहूर उलमा हैं और इनमें से एक हैं जनाब शेख मुफीद और फिर उसके बाद जो हमने नीले से हाई किया तो वो जगहों का नाम ले रहे हैं फ हाउला ए ये लोग कहाँ के हैं बे मसर मिस्र के हैं वे रमला और रमला के हैं कि जो इस वक्त मकबूजा फलस्तन में है एक है रामुल्ला एक है रमला वब सूर कि जो इस वक्त लुबनान में है वब अक्का के जो इस वक्त मशहूर मकबूज़ा फलस्तन की बंदरगाह है वब असकलान के जिसको इस वक्त असकलान भी अरबी में कहा जाता है और इश्कलोन कहा जाता है इसराइल में वब के जो मशहूर है वब बहदाद ये भी वाजह है वब जबल सिमाक ये इस वक्त इदलब के मुकाम पर शाम का इलाका है तो यहाँ पर बताते हैं कि ये तमाम मिस्र के रमला के सूर के अक्का के अस्कलान के दमिश के बगदाद के और जबल सिमाक के यानी पूरा शाम का इलाक़ा और बगदाद का पूरा इराक़ का इलाक़ा वहाँ का इन्होंने ज़िक्र किया और उसके बाद क्या कहते हैं वह कुल उलाए बा नवाई इन तमाम इलाकों के जो लोग हैं वो क्या करते हैं यदूनत तशैय ये शियत का इजहार करते हैं और दावा करते हैं व महबत रसूल सला वसम व अहल बैत ही और मोहब्बत रसूल अल्लाह और मोहब्बत अहल बैत का दावा करते हैं अब यहाँ पर आपको ताज्जुब होगा कि इतनी ज़्यादा जनाब सैदा की आज़ादारी होती थी और शायद इमाम की आज़ादारी से भी ज्यादा थी इनकी निगाह में क्योंकि इन्होंने इमाम हुसैन की आज़ादारी का जिक्र नहीं किया बल्कि इन लोगों का जो पहला काम नकल किया है वो क्या नकल किया है फैब अला फातिमा ये लोग रोते हैं फातिमा पर वला इबिन हल मोहसिन और रोते हैं उनके बेटे मोहसिन पर कौन मोहसिन अलजी आमू अन उमर का के जिसके बारे में यानी उस मौसम के बारे में ये गुमान करते हैं कि उमर ने उनको कत्ल किया है तो यहाँ से पता चला कि इन तमाम इलाकों के उलमा का जिक्र करने के बाद जो पहली सिफत बयान कर रहे हैं 415 में यह दुनिया से रख्सत हुए हैं तो कम से कम 415 से पहले की ये किताब है यानी एक हजार पच्चीस साल से ज़्यादा इस किताब का कम अज़ कम दौरानिया है तो ये कह रहे हैं कि ये हज़रत फातमा और उनके बेटे पर रोते हैं अब उसके बाद इन्होंने कुछ तहमतें भी लगाईं और उसके बाद दोबारा ज़िक्र करते हैं व वल मुनशदीना वलम फ़ीजाल के फिर इसमें यह नशीद पढ़ते हैं यानी कसीदे और नौहे पढ़ते हैं फिर अगले पैराग्राफ में सबसे पहले कहते हैं सुम्मा या हजूनाजल युसम मजल सुजिया और ये मजलिस बरपा करते हैं और उस मजलिस को कहते हैं मजल सुजिया इन्हीं काजी की एक तफसीर भी है कि जिसका एक पेज आपके सामने हमने पेश कर दिया अब यहां पर हम गुजारिश करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से कि ये जो आपने दावा किया और ख्वाहिश का इज़ार किया कि पाँच सौ साल पहले का हवाला दिखा दो कि कियाम फातमियाँ होते हों तो अपने हवाले तो हम बाद में दिखाएंगे फ़िलहाल आपका हवाला दिखा दिया है पाँच सौ साल नहीं बल्कि एक हज़ार साल से ज़्यादा का अब आप ये फरमाइए कि अब आप क्या करेंगे क्योंकि जब इंसान तलब करता है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकलना चाहिए ना अब आप क्या करेंगे लिहाजा आपसे गुज़ारिश ये है कि आप रसूल अलैहि वसल्लम से पहले हजार मोहब्बत करें और देखें कि उनकी ज़िंदगी में किन लोगों ने मुखालफत की उनके कौल को किनोंने बकवास कहा उनके दीन को किसने बदला क्या कि अशरफुलंबिया हज़रत महमद मुतफ़ा सल्ला वसलम के दुनिया से जाने के बाद दिन बदल के रह गया क्योंकि ऑफिशली कानून आया कि जो नमाज ना पढ़े उसे कत्ल कर दो जहाँ अज़ान अकामत की आवाज़ ना आए उन्हें कत्ल कर दो और अगर वह अजान अकामत के बाद नमाज पढ़ लें तो उनसे जक़त मांगो जकवात ना दें तो उन्हें कत्ल कर दो उन्हें जला दो और जो चाहे करो और फिर यही तोहमत लगा कर जनाब हज़रत मालिक अपने नवैरा को कत्ल किया गया और उनके सर को काट कर ईंटों के तौर पर इस्तेमाल किया गया उस पर खाना पकाया गया उनकी जौजा की इज्जत को लूटा गया आप इन मौजूद को डिस्कस क्यों नहीं करते असहाब को कत्ल किया गया उनको डिस्कस क्यों नहीं करते आप ये समझते हैं कि हज़रत फातिमा की शहादत का इनकार करके आप किसी को बचा लेंगे तो हज़रत फ़ातिमा सलाम की शहादत बिला शक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को बकवास कहने से बाद में बखू पजीर हुई लिहाजा अगर आप किसी को बचाना चाहते हैं तो कोशिश करें इलमी तरीके से बचाएँ लेकिन सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफा करें बाद में किसी और का दफा करें दुआएँ के खुदाबंद तबारक व तमाम अदीनान और मज़ाहब के मानने वालों को इलमी तरीक़े से गुफगू की तोफीक अता फ़रमाए और किसी के भी कत्ल का हुक्म ना दिया जाए ना गाली कह के ना राफज़ी कह के हम तमाम अदियान और मजाहब के मानने वालों की जान माल इज़्ज़त और आबरू को अहतराम की निगाह से देखते हैं हती यही वो लोग कि जिन्होंने हमारे अफराद को कत्ल किया इनमें से भी किसी के बच्चे को या बेकसूर फ़र्द को ना इंतकाम का निशाना बनाया जा सकता है और ना सज़ा दी जा सकती है उनके बच्चे उनकी खवातान और हमारे बच्चे और हमारी खवातन में हमारी निगाह में जर्र बराबर कोई फ़र्क़ नहीं है यही सिपा साहबा के तमाम वो लीडरान के जिन्होंने हमें हज़ारों की तादाद में क़त्ल किया इनकी बेटी इनकी बहन हमारी बेटी और हमारी बहन की तरह से इनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह से हम किसी भी दीन और मजहब के फर्द की ना जान के दुश्मन हैं ना माल के दुश्मन हैं ना आबरू के दुश्मन हैं क्योंकि हम अहल सलाम से सही इस्लाम रसूल अल्ला वसलम का लेते हैं वो इस्लाम के जो किसी और के जरिए से नहीं मिल सकता और उस रसूल से लेते हैं कि जिनको हम पाक और पाकिज़ा और तैयब ताहिर और मासूम मानते हैं ना कि किसी ऐसे रसूल से कि माज़ल्ला जिनके कौल को हिजियान और बकवास समझा जाए हम मासूम नबी से दीन लेते हैं उनकी पाक और पाकिज़ा और मासूम इतरत के जरिए से व महमद ताहरीन